हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आज आपके सामने एकदम स्पेशल न्यू रेसिपी लेके आई हूँ, वो है मैक्सिकन वेजी टैको। आप देख सकते हैं सारे जितने भी वेजिटेबल्स हैं उनको बहुत खूब अच्छे से चॉप्ड किए, छोटे छोटे, जैसे ये देखिए गोभी है, गाजर है, प्याज है, शिमला मिर्च है और इन सभी चीज़ों को टमाटर है, ये देखिए टमाटर। और इसमें चाहिएगा इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ, सॉस और ग्रीन चिली सॉस, टोमेटो सॉस। और मैंने क्या किया है, अब ये देखिए आप मैदा को जितने आपको चाहिए क्वांटिटी, हम लोगों ने 2 कटोरी ली है। आटा जिस तरह मलते हैं बताया हुआ है, अच्छे से मलने से और इसे आधा घंटा भीगने दें। अब क्या करेंगे, इन चीजों से हम कैसे दिखाते हैं, आटे को जिस तरह हम रोटी बनाते हैं ये देखिए उसी तरह तवा पे रोटी की तरह ही बेलिए और इसे पलट पलट के जिस तरह रोटी सेकते हैं उसी तरह हम इसे चपाती बनाएंगे। और दूसरी गैस पे मैं आपको दूसरी गैस पे देखिए, आपके पास बटर है तो बटर लीजिए, नहीं तो आप घी, देसी घी भी ले सकते हैं, थोड़ा ही लीजिए, बहुत अधिक जरूरत नहीं होती। और इनमें जो हमने सब वेजिटेबल्स चॉप की थी उन सबको दे के इन्हें हम अच्छे से हम फ्राई करेंगे। और दूसरी गैस पे हम बना ही रहे हैं रोटियाँ और इनसे किस तरह बहुत ही यम्मी डिश बनती है, इसे 3-4 मिनट हम सेकेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब सीज गई है सब्जी, तो इसमें हम डार्क सोया सॉस थोड़ा सा, बहुत नाम मात्र का डालेंगे। और बस उधर वो हमारी रोटी भी सिक गई है, आपको दिखाती हूँ, देखिए अब इसे हम किस तरह गार्निश करते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने दिया टोमेटो सॉस, ये देखिए, अब इसमें जो हमने सीजा है थोड़ा थोड़ा, जितनी आपको क्वान्टिटी, ज़्यादा नहीं देंगे। अब ये सजाएंगे इसके ऊपर, और ये हो गई हमारी तैयार। सो फ्रेंड्स, ये है आपका यम्मी डेलीशियस, बहुत ही टेस्टी लग रहा है और दूसरी बात है पौष्टिक भी है मैक्सिकन वेजी टैको। ये देखिए जो हमने जो चीजें तैयार की उसी से अब और एक चीज उसी में बना ले रहे हैं। थोड़ी सी क्यूब सी कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइंड लिया, कोई भी सरसों तेल भी ले सकते हैं, और उसी से जो रोटी बनाई उसी तरह का, उससे कैसे बेल के फिल करते हैं वो भी मैं दिखा रही हूँ आपको, दिखाया है। ये देखिए अब इसे एकदम बंदी आंच में, तो ये वेज स्प्रिंग रोल, ये देखिए सिक रहा है, बस सारी मटेरियल सब वही है उसी का जो प्लेन बनाया उसी को, ये देखिए इस तरह पीस बनाया, हाफ रोटी की तरह बेलिए और फिर इसे इस तरह सारे वही फीलिंग जो पहले बनाई थी वही इसमें देंगे और इस तरह इसको डिज़ाइन दे दीजिए, एक शेप दे दीजिए और इसे रोल करके, ये देखिए अच्छा सा, जितनी भी आप वो शेप दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, बस इस तरह हम तैयार कर लेंगे और फिर इसे यहाँ रखते हैं और धीरे धीरे ये जब तैयार हो जाएगा इसी तरह हम सारे को A1x1 तलेंगे। ये देखिए प्राय तैयार हो गया है, ये तैयार हो गया हमारा यम्मी डेलीशियस वेज स्प्रिंग रोल, देखने में इच्छा कर रही है तुरंत खा लें। ये देखिए अंदर से भी कितना सॉफ्ट है और सारे मसाले सिक गए हैं। खाते रहिए और कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा कैसा लगा। आई होप यू लाइक इट, थैंक यू।